में शामिल करते हैं। साहिवाल से प्रिंस अल्ताफ हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी रहनुमा तहरीक इंसाफ साहिवाल के तहसील नायब सदर हुमायूं हाजिक ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने कायद इमरान खान की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार खड़े हैं। पीटीएम सरकार ने 22 करोड़ अवाम को बेवकूफ़ बनाया है। आम इंतखाबात में पीटीएम की इबरतनाक शिकस्त इनका मुकद्दर बन चुकी है। महंगाई कम करने का नारा लगाने वाले जालिम हुक्मरानों ने गरीब का जीना महाल कर दिया। इंपोर्टेड हुकूमत के वज़रा मुसलसल चोट के जरिए मुल्की मुआशियत को आसमान की बुलंदियों पर पहुँचाने के लिए कोशा। पीटीएम सरकार अगर थोड़ी सी भी अखलाकियात और शर्म रखती है तो इसे फौरी मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार हुमायूं हाजिक ने अपने साथियों के हमरा जमान पाक लाहौर में वहद कैंप में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि रोजाना बढ़ती हुई हो शरबा महंगाई के बाद आवाम की कोई तकरीर जवाब देगी। आवाम दो वक्त की रोटी कमाने से भी कासिर हो चुके हैं। महंगाई बेरोजगारी के बाद आवाम खुदकशी पर मजबूर हो चुके हैं। इंशाल्लाह हम अपने कायद इमरान खान की हिफाजत के लिए 24 घंटे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आवाम जालिम हुकूमत के खात्मे के लिए झोलियाँ पर उठा उठा कर बदुआएं दे रहे हैं। IMF ने हुकूमत के साथ कड़ी शराइत रखती है जिससे महंगाई का बहुत बड़ा सुनामी आने वाला है। आवाम का मजीद कुछ उम्र जालिम हुकूमत निकालेगी। कहना जो बने वो तूफान आजा बने वो तूफान आजा चले ऐसा सफर के तेरी मंजिल भी सलाम ख्वाब देखे जो वो पूरे करने को कई नींदे की हराम सारा खून पसीना और ये जान जनून के नाम बैट्समैन इज गॉन एंड दैट टिपिकल सेलिब्रेशन व्हाई नॉट मेरी जान।